So students, welcome to the session of physics. Students, now we will discuss dimension analysis and its application. जो हम इतनी सारी dimensions पढ़ते आ रहे हैं, इसको apply कैसे करेंगे? Application part is most important part in physics. उसको अगर apply ना कर पाए, then what is the use? तो यहाँ पे हम dimensions की बात करेंगे, dimension analysis and its application. Before proceeding, we should be aware about these four quantities. यहाँ board पे चार quantities लिखी हैं, dimensional variables, dimensionless variables, dimensional constant, dimensionless constant. Very easy to learn. Simple सा है. पहले आप dimensional variables और दो चीजें याद रखो, dimensional variables, dimensionless constants. अगर dimensional variables है तो उसे अगला क्या आएगा, dimensionless variables और constants and then dimensionless constant. दो चीजें आपको मालूम है, एक variable होता है एक term होती है constant. Variable का मतलब क्या होता है, जो vary करता है. जैसे for example हम किसी की position और time measure कर रहे हैं तो time के साथ उसकी position बदलती रहती है, तो obviously variation is there. लेकिन कुछ चीजें अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए uniform motion में बदल रही हैं, लेकिन uniformly वो चीजें बदलती हैं और उनका जब हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर और वेन एवर वी प्लॉट अ ग्राफ, और ग्राफ का जब हम टेन थीटा निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो हर पॉइंट पे वैल्यू जो आती है वो कांस्टेंट आती है. जैसे कांस्टेंट वैल्यू में सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, वो हर जगह कांस्टेंट रहता है. कैपिटल जी की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज वी राइट एज अ कैपिटल जी. एनी वे उसके बाद आती है वैल्यू कांस्टेंट. कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना करते हैं उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट. तो डायमेंशनल कांस्टेंट आर आल्सो विद अस, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स आर आल्सो विद अस. नाउ डायमेंशन वेरिएबल्स क्या है, दोस क्वांटिटीज सिंपल से आप याद रख सकते हो, हूज डायमेंशन वेरीज, इनकी डायमेंशन वेरी करती है. एरिया, वॉल्यूम, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. नाउ डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हूज वैल्यू, दीज आर दोस क्वांटिटी, दीज आर, आप ऐसे लिख सकते हो, दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हूज वैल्यू वेरीज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डायमेंशन नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू अलग होगी, कॉस थीटा की वैल्यू अलग होगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू अलग होगी. नाउ डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट अभी हम बात भी कर रहे थे, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, दीज आर दोस कॉन्स्टेंट्स या दीज आर दोस क्वांटिटीज, डायमेंशनल क्वांटिटीज हूज वैल्यू, दीज आर दोस डायमेंशनल क्वांटिटीज whose value remains constant. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल जी. याद हो गया आपको, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर के ही -2 लाइक दैट. तो दिस रिमेंस कांस्टेंट. नाउ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट्स, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स क्या होंगे, अब इनमें डायमेंशंस नहीं होंगी बट स्टिल दे आर कांस्टेंट्स. तो ये होंगे अपने प्योर नंबर्स 1, 2, 3 पाई एक्सेट्रा, ये सब आपके डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स. तो स्टूडेंट्स ये फोर क्वांटिटीज हैं जो हमें याद रखनी है. फिर से एक बार, dimensional, those quantities whose dimension varies, area, volume, sabki. Dimensionless, hain to quantities, these are dimensionless quantities whose value varies, jaise trigonometric ratio, sine theta, cos theta, tangent theta and so on. Now, dimensional constants, these are those dimensional quantities whose value remain constant. Then comes dimensionless constant, that is your pure numbers, 1, 2, 3, etc. Students, now we move further to the most important part,
इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, डायमेंशंस को हम अप्लाई कैसे करेंगे आर डेली लाइफ में, कैसे हम उसका यूज करेंगे। लेट्स सी नाउ डायमेंशंस का हम किस तरह से यूज करेंगे और द बेसिक फंडा बिहाइंड द यूजेस ऑफ डायमेंशंस। लेट्स सी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। इसमें स्टूडेंट्स काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में। नंबर वन थिंग इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। लेट अस प्रोसीड वन बाय वन। नेक्स्ट है आपका डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, थर्ड है आपका कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर और लाइक वाइज। लेट्स प्रोसीड वन बाय वन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। स्टेप वन क्या होगा इसमें, स्टेप वन होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू राइट कि आपसे कौन सी क्वांटिटी पूछी गई है, उसकी डायमेंशन में आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। उसका मतलब क्या होता है कि मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होने चाहिए इक्वेशन के दोनों तरफ। मास, लेंथ एंड टाइम डायमेंशंस शुड बी सेम। ठीक है, सेम का अर्थ है कि सेम नहीं, सेम होनी चाहिए, बट इन व्हाट सेंस, इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम। एग्जांपल, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c शुड बी इक्वल टू m की पावर x, l की पावर y और t की पावर z। कहने का मतलब a शुड बी इक्वल टू x, b शुड बी इक्वल टू y, c शुड बी इक्वल टू z। अगर ये लॉ फॉलो होता है कि दोनों साइड डायमेंशन बराबर आ रही हैं, तभी आपका रिलेशन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, उनको इक्वेट करेंगे। जब इक्वेट कर देंगे आप आपस में उन्हें, एंड थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में अगर इक्वल आ रही हैं तो वो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फिजिक्स में एक रिलेशन आता है फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का, इस टाइप में व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यू कैन सी डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस टू। नाउ दिस इज योर मास, you have to write first left hand side equal to mlt minus। आप देख सकते हैं इसमें you can write it m1 l1 t minus 2। now right hand side में आप क्या देखेंगे, right hand side में है हमारे पास mass into velocity square upon distance or radius, radius भी एक तरह से distance है। now put the value, यहाँ आप mass की value डालेंगे, velocity lt minus 1 power 2 in place of distance you will write l, now it comes out to be m l 2 t minus 2, so solve kiya l 2 t minus 2, now here this l 1 get cancelled with it, here m l t minus 2, same thing right hand side mein bhi hai, since left hand side is equal to right hand side, jab left hand side right hand side ke bilkul equal aa jati hai तो हम कहते हैं रिलेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। वैसे भी हम कुछ और रिलेशन भी देख सकते हैं, फेमस रिलेशंस लाइक ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर की बात कर लें आप, या एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं स्टूडेंट्स इसके। लाइक वाइज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, to check the correctness of the relation में एक example करते हैं। likewise लिख देता हूँ मैं, to check the
correctness of relation में हम एक और example E equal to mc square, very famous equation of Einstein. Here E is energy, m is mass, c is your velocity. Now students, ये energy है, mass है, velocity है हमारे पास. Now energy की dimensions ml2t-2, मास की डिमेंशंस फर्स्ट वी हैव रिटन लेफ्ट हैंड साइड. अब एनर्जी की डिमेंशन अगर आपको ओरली याद है इट विल सॉल्व योर क्वेश्चन अ लॉट. अगर मान लो भूल गए, फोर्स की आपको याद रखनी पड़ेगी. मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा है एटलीस्ट एक डिमेंशन आपको याद रखनी पड़ेगी सो दैट अदर डिमेंशन आपको फाइंड करना ईजी हो. फोर्स की होती है एंड फोर्स इन टू डिस्टेंस इज योर एनर्जी या वर्क. एनर्जी और वर्क में कोई डिफरेंस नहीं है. And distance is L, ml2t-2. This is the dimension of energy. Now right hand side में आप देख रहे हैं mass की dimension m आएगी and this is the velocity lt-1 का square. It comes out to be ml2t-2. Students, you can see again left hand side is equal to right hand side. Another relation. अब हम एक और एग्जांपल के साथ इसे समझेंगे. दैट इज योर s इक्वल टू ut+ 1/2 ad². हियर s इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी है इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी एक्सेलरेशन है, t इज टाइम. स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ है डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिमेंशन बनेंगी एल. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट. नाउ लेट्स गो टू इनिशियल वेलोसिटी पार्ट. इट इज नाउ यूटी, एक पार्ट की बात करें हम तो इसकी डिमेंशन वेलोसिटी की lt-1 टाइम की टी, टी गेट कैंसल्ड, इट इज अगेन एल. नाउ हाफ इज डिमेंशनलेस. Now at square, a is your lt-2 acceleration, time period is again 2, t2 get cancels, again l. You can see l plus l will be 2l, 2 dimensionless चीज है, तो दोनों side द्वारा से क्या हो गया, left hand side is equal to right hand in both the cases. Students, you can easily understand this concept कि आपको correctness कैसे check करनी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नाउ अगेन वन मोर माइट बी लास्ट एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. टी इक्वल टू 2π√L/g. अब इसमें दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड इस टाइम पीरियड, अगेन इट्स डायमेंशन इज टी. हियर right hand side 2 pi we will not take into consideration, it is a constant. Now l upon g, here is length, in place of g we write lt-2, it comes out to be t^2. hum ise denominator se numerator mein convert kar diya to powers add hogi, under root se square kat jayega, we are left with t. Students, you can see here left hand side equal to right hand side, so this is also dimensionally correct. Now another type of questions are to convert one system of units into another system of unit. For that what we have to do, let's see to how to convert one system of units into another system of units. To usme bhi aapko kuch baaton ka dhyan rakhna hoga. That we will see in our next video. Students, till then, revise all the concepts thoroughly and precisely.